गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे का और टाइम हो रहा है अभी लगभग 8:30 या 9 का टाइम हो रहा होगा। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, बट इतना ही लगभग हो रहा होगा। और मेरे मॉर्निंग के क्लीनिंग के सारे काम हो गए हैं। असल में आज मैं जो है सुबह 6 बजे जाग गई थी और सुबह जाग कर ही मैंने जो है अपना झाड़ू पोंछा का जो भी क्लीनिंग का काम था वो सब कर लिया था। और भी मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी थी। असल में आज मुझे एक शादी में जाना है तो वो सारी जो है मुझे तैयारी करनी थी। कपड़े वगैरह कुछ निकाल कर आयरन वगैरह करने थे तो वो सब मैंने कर लिए थे क्योंकि संडे का दिन था। हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे तो सोचा उन्हें सोने देती हूँ, तब तक मैं अपने ये सारे काम निपटा लेती हूँ और जब सभी लोग जाग जाएंगे तब जो भी नाश्ता वगैरह होगा वो मैं बना लूंगी। तो बस सारे काम निपटाने के बाद फिर हस्बैंड और बच्चे जाग गए थे। चाय वगैरह सब हो गई है, बच्चों को दूध और बनाना दे दिया था और अब नंबर आ गया है ब्रेकफास्ट का। क्योंकि खाने के टाइम तक तो हम लोग पहुंच जाएंगे तो खाना वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज मैं सैंडविच, तो बस उसी की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर जो भी सामान है वो सारा मैंने कट कर कर रख लिया है सैंडविच के लिए, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज मेयोनीज सैंडविच। तो बस यहाँ पर जो भी चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो सारी मैंने ले ली है। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, उसमें मिर्च डाल ली है, ये पत्ता गोभी डाल लिया है, प्याज डाल लिया है, टमाटर डाल लिया है। सारी चीज़ों को मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये स्वीट कॉर्न डाल लिए हैं, इसके साथ ही डाल दी है मैंने मेयोनीज। और उसके साथ ही मेरे पास ये चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो रखा हुआ था तो वो भी मैंने डाल लिया है। थोड़ा सा नमक ले लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और यहाँ पर जो है मेयोनी मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी और ऐड कर ली है। और फर्स्ट टाइम मैं ये सैंडविच बना रही हूँ तो देखते हैं कैसे बनते हैं। वैसे देखने में तो जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है अभी जो मिक्सचर रेडी किया है सैंडविच, देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास नहीं था तो मैंने ये टमाटो केचप लगा लिया है। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो लगा लीजिएगा। बस अच्छे से जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो मैंने पूरे पर फैला दिया है। तवे पर घी लगा लिया है, आप बटर यूज़ कर सकते हैं। बस अच्छे से इनको क्रिस्पी होने तक दोनों साइड सेक दूंगी और आप चाहें तो बिना सेके भी इन्हें खा सकते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पे तो वो भी काफ़ी अच्छे लगते होंगे। मैं सच कहूँ तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है कौन से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा फ्राई कर देती हूँ तो बच्चे अच्छे से खा लेंगे, वरना जो है बेटी नहीं खाएगी सही से। यहाँ पर एक रेडी हो गया था, उसको मैंने 2 पीसेज में कट कर दिया है इस तरह से ट्राइंगल शेप में। तो इसी तरह से मैं बाकी के और बना लूँगी। तो ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, सिर्फ 4 ही बनाए थे, एक अपने लिए और 3 बना दिए थे बच्चों और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरह से मैंने काट दिया था क्योंकि ट्रायंगल शेप में जो है सही से नहीं कट रहे थे, ब्रेड थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी सी थी तो बस मैंने वो सीधे सीधे काट दिए थे और बेटी को और हस्बैंड को दे दिया है खाने के लिए। अभी मैंने 3 ही बनाए हैं और दे आई हूँ हस्बैंड और बेटी को खाने के लिए। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ ऑमलेट, 2 एग रखे हुए थे तो हस्बैंड बोले ऑमलेट भी बना दो, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और अपने लिए एक मुझे सेकना है तो वो मैं बाद में सेक लूँगी, पहले बच्चों को और हस्बैंड को नाश्ता करा देती हूँ। और यहाँ पर जो ऑमलेट के लिए सामान मैंने छोड़ दिया था वो सब डाल के मैंने यहाँ ऑमलेट रख दी है बनने के लिए। और बेटे को मतलब अभी को मैंने सादा जो ब्रेड थी वही सेक कर दे दी है क्योंकि वो सैंडविच नहीं खा रहा था, तो उसको सादा ब्रेड ही मैंने अच्छे से सेक कर सॉस के साथ दे दी है तो वो बड़े आराम से खा रहा है। तो सभी लोग कर रहे हैं नाश्ता, यहाँ पर ऑमलेट भी बनकर तैयार हो गई है। तो बस ऑमलेट मैंने हस्बैंड और बच्चों को दे दिया है, थोड़ा सा मैं लेकर आ गई हूँ अभी के पास। अपने लिए सैंडविच भी मैं बना कर ले आई थी तो देखिए अभी कितने जो है प्यार से खा रहा है। सादा ब्रेड थी और उसका सॉस ख़त्म हो गया था तो मेरे पास थोड़ा सा था, वो मैंने कटोरी उसको दे दी और उसकी कटोरी मैंने ले ली तो उसमें थोड़ा बहुत जो लगा हुआ था वही मैंने साफ़ कर कर जो है ले लिया है। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी सैंडविच बने थे। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे लगेंगे, बट बहुत ही अच्छे लगे, बच्चों को भी अच्छे लगे। अभी ने नहीं खाया, बेटी को हस्बैंड को काफ़ी अच्छे लगे और मुझे भी जो है काफ़ी अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और अब जल्दी से अपना जो किचन का काम है वो समेट लेते हैं क्योंकि फिर नहाना है, बच्चों को नहलाना है, तैयारी भी करनी है जाने की। और शादी कहाँ है मैं आपको बता दूँ, मेरे मामा के यहाँ पर, मेरे मामा के बेटे का लगन है आज, उसी प्रोग्राम में मैं जा रही हूँ। शादी जो है 2 दिन बाद है तो, लेकिन लगन में ही जो है सब प्रोग्राम है खाना वगैरह का, तो फिर वहीं जा रही हूँ। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, सिर्फ आधा घंटे का ही रास्ता है तो बस उसी के लिए यहाँ पर जो है मुझे तैयारी करनी है। तो जल्दी जल्दी सोचा सारे काम समेट लेती हूँ और उसके बाद फिर आराम से तैयार होंगे निकलेंगे।
और नाश्ता तो हो ही गया है, तो अब इतना कोई टेंशन नहीं है। तो बस यहाँ पर जो किचन था वो मैंने पूरा समेट दिया है, और जो अब बर्तन है वो फटाफट से मैं धुलकर रख देती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों को नहलाकर मैं नहा लूँगी, और फिर अपना जो भी थोड़ी बहुत तैयारी बची हुई है वो सारी मैं कर लूँगी। और इतने में ही क्या हुआ था ना कि बारिश होने लगी थी रिमझिम सी, तो थोड़ा वेट करते रहे कि बारिश बंद हो जाए तब निकलें, बारिश बंद हो जाए तब निकलें, लेकिन इस चक्कर में जो है काफ़ी लेट हो गया, और बारिश थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर जो है बारिश में ही हम लोगों को निकलना पड़ा, और अच्छा भी रहा क्योंकि बारिश के रुकने का वेट करते तो बहुत ही लेट हो जाते, क्योंकि बारिश जो है शाम को 6:30-7 के करीब जो है बारिश बंद हुई थी। तो यहाँ पर देखिए बेटी को मैंने नहला दिया था, और इतने में अभी सो गया था, तो उसको मैंने नहीं नहलाया फिर कि वो जाग जाएगा तब नहला दूंगी। फिर हस्बैंड बोले कि रहने दो, मौसम ठंडा है ही, सो रहा है सोने दो, उसको जो है मत नहलाओ। यहाँ पर जो है बेटी को नहलाने के बाद मैं भी नहाकर आ गई थी, और बस नहाकर बारिश देख रही थी कैसी है क्या है, लेकिन बारिश तो बंद ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैं लग गई अपना पैकिंग करने में, कपड़े वगैरह तो मैंने पहले ही आयरन कर कर रख दिए थे जैसे कि आपको बताया, बस बैग में लगाने को रह गए हैं। तो जो पहनने वाले कपड़े हैं वो मैं निकाल कर रख लूँगी अलग, और जो मुझे रखने हैं वो सब मैं बैग में लगा दूँगी। तो वैसे तो जो है अगर सुबह जल्दी निकल जाते तो फिर जो है शाम तक आ जाते, लेकिन अब जो है कल का ही प्रोग्राम बनाया, हस्बैंड बोले कल ही आराम से आ जाएंगे, तो इस वजह से फिर मैंने जो है एक एक कपड़े एक्स्ट्रा ही रख लिया था कि रुकना पड़ेगा इस वजह से। और नाइट में पहनने के लिए भी मैंने सिर्फ सूट ही रखा है, क्योंकि साड़ी वगैरह ऐसी बरसात में मुझसे नहीं संभलेगी। और घर पर भी मैंने फ़ोन कर पूछा था, तो घर से सिर्फ मम्मी पापा ही आ रहे हैं, अगर दिशु हिमानी वगैरह आ जाते हैं ना तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाती है, वो अभी को जो है खिला लेते हैं घुमा फिरा लेते हैं, बट वो कोई नहीं आ रहा है तो मुझे ही जो है उसे देखना होगा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करते हैं, तो साड़ी पहन लूँगी तो फिर मुझसे जो है नहीं होगा, तो मैंने सूट ही रख लिया है बस। और यहाँ पर हस्बैंड के भी लोअर टी शर्ट वगैरह निकाल लिए थे, क्योंकि वो भी फिर नाइट में रुकेंगे, और मॉर्निंग में फिर वो आ जाएंगे हमको छोड़कर, और फिर शाम को ड्यूटी कर कर हमको ले आएंगे। तो ऐसा हम लोगों ने जो है प्लान बनाया था। और बेटी के लिए एक दिन का मैंने ऑफ ले लिया है, आज तो संडे है ही, मंडे की मैंने उसकी जो है छुट्टी ले ली है। बस यहाँ पर बेटी बैठी हुई अपना खेल रही है, और अभी सो रहा है, और मैं फटाफट से यहाँ पर जो अपना बैग है वो पैक कर लेती हूँ, और कपड़े वगैरह के बाद छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी रख लूँगी, और यहाँ पर अभी के डायपर मंगाए थे। तो फ्रेंड्स अब जो है 1:30 बज चुका है, और हम सभी लोग तैयार हो गए हैं, और बारिश का इंतज़ार करते करते इतना टाइम हो गया कि शायद अब बंद हो जाए तब निकलें, बट बारिश है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही है, और आसार भी नहीं लग रहे हैं कि शायद बंद होगी। दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं ऐसी रिमझिम हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, बट रिमझिम जो है तब से कंटिन्यू हो रही है। देखिए बस इसी इंतज़ार में थे कि बंद हो जाए तो अच्छा ही है, तभी निकलें, बट बारिश जो है बंद नहीं हुई, तो अब फिर फाइनली निकलना ही है, क्योंकि फिर धीरे धीरे टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, और एकदम से कहीं जो है बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और ये जो है सामान मैंने रख लिया है, बारिश है इस वजह से एक एक जोड़ी एक्स्ट्रा ही कपड़े रख लिए हैं, कि बच्चों का कुछ पता नहीं है या फिर हम ही लोग हैं भीग जाएँ, तो इस वजह से एक एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा ही रख लिए हैं। और सूट ही रखा है मैंने सिर्फ पहनने के लिए, साड़ी वगैरह मैंने जो है नहीं ली है, कि घर से भी दिशु वगैरह कोई भी नहीं आई है, मम्मी और पापा आए हैं सिर्फ, तो मुझे ही जो है अभी को संभालना होगा, ऊपर से बारिश का मौसम है तो साड़ी वाड़ी मुझसे संभलने नहीं वाली है, तो इस वजह से सूट ही रख लिए हैं मैंने। बस अब हस्बैंड गए हैं मिठाई लेने के लिए, मेरे 4 मामा हैं तो उनके लिए चारों के लिए मिठाई लेने गए हैं, जैसे ही वो मिठाई लेकर आ जाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और ऐसी बारिश में ही अब जो है निकलना पड़ेगा, लेकिन चलिए कोई नहीं, गाड़ी से जाना है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हस्बैंड के आने का वेट कर रही हूँ, मैंने ये वाला सूट डाला हुआ है जो न्यू मंगाया था, आपके साथ मैंने शेयर किया है, कुछ इस तरह का, देखिए नीचे रेड प्लाजो डाला हुआ है, ये सिर्फ कुर्ता और दुपट्टा का ही सेट था, तो प्लाजो मेरे पास रखा हुआ था तो वही मैंने डाल लिया है। कैसा लग रहा है मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ इसका। तो देखिए कुछ इस तरह का है मेरा लुक, और काफ़ी प्यारा लग रहा था ये कुर्ता वियर करने के बाद, और प्लाजो मेरे पास रखा हुआ था तो उसी के साथ मैंने जो है इसको वियर किया था, और वहाँ पर भी सभी को जो है काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिले, तो बहुत ही प्यारा जो है सेट लग रहा था। और यहाँ पर देखिए अभी रो रहा था अपने पापा के लिए कि पापा नहीं आ रहे हैं गाड़ी लेकर, तो बस बाबू उसको चुप करा रही है, और मैं बाहर देख रही थी, बारिश जो है बढ़ती ही जा रही थी,
और फाइनली फिर हस्बैंड आ गए थे मिठाई वगैरह लेकर। अब हम लोग निकल आए हैं और बारिश तो बंद ही नहीं हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया बारिश जो है सारा दिन हुई थी, और बारिश की वजह से ना सारा जो है मजा खराब हो गया वहाँ। नाइट में जो है फिर कपड़े वगैरह भी किसी ने चेंज नहीं किए, मैं सूट भी रख कर ले गई थी फिर वो भी जो है मैंने नहीं वेयर किया क्योंकि बारिश की वजह से किसी ने भी कपड़े चेंज नहीं किए, मैं भी फिर यही पहने थी यही पहने रही। और जो भी प्रोग्राम वगैरह था उसमें भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे और पूरे में जो है बारिश की वजह से जो है कीच सी हो गई थी, पानी पानी हो गया था, रास्ते सारे बेकार हो गए थे, तो फिर इस वजह से मैं कहीं भी नहीं गई, कुछ भी नहीं देखा। अब देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं और आते ही यहाँ पर हमको मिल गया है नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो बस वही पी रहे थे। तो ये वाला जो है नया घर बना लिया है, मामा जी के दो बेटे हैं, तो जो पहले वाला था जो मैंने आपके साथ एक बार पहले शेयर किया था वो थोड़ा अंदर है, तो बारिश की वजह से हम लोग यहीं पर रुक गए थे, तो यहीं पर नाश्ता वगैरह कर रहे थे और सभी लोग जो है उधर थे। यहाँ पर बस छोटी वाली जो भाभी थी वो थी, उनकी फैमिली थी और एक आधी रिश्तेदार वगैरह और थे। तो बारिश की वजह से हम यहीं रुके हुए थे, सोच रहे थे बारिश बंद हो जाए तब उधर जाएंगे क्योंकि मम्मी वगैरह सब उधर ही थी। और देखिए बारिश जो है बढ़ती ही जा रही है, और थोड़ी देर बाद ही जब सबको पता चला धीरे धीरे कि हाँ मैं आ गई हूँ, तो उस उधर वाले घर से जो है इधर देखिए सब लोग आ गए हैं, मामा की बेटियाँ वगैरह हैं, तो जब पता चला कि मैं आ गई हूँ तो मैं वहाँ नहीं जा पाई, तो वही लोग जो है यहाँ पर आ गए थे सब, तो बस यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके बाद फिर मैं कुछ भी शूट नहीं की, मौसम की वजह से कुछ भी जो है अच्छा नहीं लगा, कुछ भी मन नहीं किया। तो चलिए व्लॉग को यहीं करती हूँ एंड आशा करूंगी आपको पसंद आया होगा।